एक कप बगीचे में रखियो चाय गिलास फोड़ी हाथ में एक सीटी में मुझे कुकर में क्या रखियो आज दाल क्या की दाल मेरी नंबर टू गड़ी फिट फोर वहीं उस की दाल। तो दोस्तों आज तारीख का 14 अगस्त समय हो रहा है सुबह की 9 बजने वाली है, यानी कि अभी बजी नहीं है, 9 बजे हम ब्लॉग भी अपलोड करेंगे। फिलहाल देखते हैं आज दिन के लिए क्या रखा हुआ है। इधर पहाड़ी चूल्हे में तो फिलहाल दाल रखी हुई है, ये चावल, ये झंगोरा अक्सर हमारा रोज ही बनता है वैसे तो, कभी इसका छछंडा बन जाता है, कभी खीर बन जाती है, कभी झंगोरा बन जाता है, तीन चीज़ें बनती है इससे हमारी। तो आज पता नहीं क्या बनेगा, वो मुझे भी नहीं है मालूम। फिलहाल आपको मौसम के समाचार दे दूँ, आज इधर की साइड से भी बादल आ रखे हैं, इधर की साइड से पूरे चारों तरफ से बादल है और बीच में खाली है, बीच में कहीं भी बादल नहीं है, सिर्फ किनारे किनारों में है। फिलहाल सुबह सुबह पाइप लगा रखा आज, टंकी चले, फिलहाल टंकी भी भर चुकी है, करते हैं पाइप खोल। फिलहाल मैं आपको डंडे लेकर हाथ दिखाता हूँ, यहाँ गाँव में कुत्ते घूमते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ सुलाने में, रात को आ ही जाते हो सोने के लिए, पर क्या हाल कर रहे हो यहाँ के, बार बार लिपाई करके थक चुके हैं, फिर वही हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ सुलाने में भी दिक्कत है इन्हें। तो काफ़ी समय से मेरे मन में नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये किस लिए बनाया गया है, तो इसका कारण है कि हमारे मकान की हाइट थोड़ी कम हो रही थी, तो जब मकान की हाइट कम होती है तो उसमें वेद लगता है, यानी कि यहाँ कहीं भी अचरी के मंदिर होंगे तो उससे दोष लगता है, तो इसलिए इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इतना वो बना रखा है, टीप बना रखी है, जो भी कहते होंगे इसे, तो वो बना रखा है, तो ये है इसके पीछे का कारण। तो जैसे कि हर घर तिरंगा आपको मालूम ही होगा, हर घर तिरंगा योजना चल रही है, तो अभी चलते हैं सीढ़ी लेने, तिरंगा लगाएंगे यहाँ ऊपर, क्योंकि इधर की साइड लगा रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ की साइड लग रहा है, मतलब टेढ़ होकर के लग रहा है, लगाना हमें सीधा है, तो इसलिए सीढ़ी लेके आते हैं तब यहाँ पे लगाएंगे। सीढ़ी लेने से चलेंगे, उससे पहले कर देते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉल में पहाड़ी में, फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है नितिन तड़ियाल और मेरे गांव का नाम है खालू, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में पड़ता है। तो चले फिलहाल नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से हो चुकी है, फिलहाल इस ब्लॉग को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चले सबसे पहले चलते हैं सीढ़ी लेने, जहाँ मैंने बोला था दुकान खुलेगी तो वहीं रखी हुई है सीढ़ियाँ, यहाँ तो नहीं है सीढ़ी यार। ऊपर तो नहीं कहीं, यहाँ भी नहीं है सीढ़ी ब्रो। सॉरी, फिलहाल उधर तो सीढ़ी मिली नहीं, देखते कोई अच्छी सी लोकेशन झंडे के लिए, तिरंगे के लिए लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। सो अभी फिलहाल फाइनल हमारा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, 2-3 मिनट लेट हो गई, क्योंकि इसलिए मैं 9 बजे से पहले ब्लॉग नहीं बनाता, मैं 9 बजे से पहले ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना तो भूल जाता हूँ टाइम कितना हो रहा है, पूरा ध्यान से ब्लॉग ही में चला जाता है। फिलहाल हम तिरंगा खड़ा करते हैं कहीं पर, अच्छी सी लोकेशन देखते हैं। सो फाइनली तिरंगा लग चुका है, चलिए फाइनली अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है, सीधे निकलते सड़क की ओर, दिखा दे अगर रास्ते में कुछ नज़ारे दिखते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग टारगेट भी भूल चुके हो 21 सितंबर का, तो आपको फिर से एक बार याद दिला दो, 21 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है मेरा, तो बर्थडे गिफ्ट क्या होगा, 1K सब्सक्राइबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा, उतनी अच्छी वीडियो बनती रहेगी। कल की अपडेट दे दो, कल है 15 अगस्त, तो कल हमारे गाँव में रैली भी होगी, साइज से बता रहा हूँ मैं, अभी होगी वैसे तो, ध्वजारोहण तो हो गई, आंगनबाड़ी में अलग होता है और महिला मंगलदल का अलग होता है, तो पिछले साल भी दिखाया था मैंने आपको, तो इस साल भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो कल देखी जाएगी क्या क्या प्रोग्राम होता है, फिलहाल आज के सोचते हैं, तो निकल ही रहे सड़क की ओर, धार में तो पहुँच ही चुका हूँ मैं गाँव की। तो ये रही हमारे गाँव की बाइक पार्किंग, यहाँ पे रहते सबकी बाइक लगी हुई, तो अभी फिलहाल सब ड्यूटी जा रखे हैं, घर पे कोई नहीं है, तो यहाँ पर अभी किसी की बाइक नहीं दिख रही, किसी की दिख रही होगी जिनकी आज छुट्टी होगी, तो संडे वाले भी हैं ड्यूटी वाले, तो बाकी तो घर ही हैं। फिलहाल हो रहा ओपन जिम,
यहाँ पे हमने जिम लगाया, ये लोकेशन ही एकदम मस्त है। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, इधर खालू का, चमराड़ा का, इधर आगे सड़क का, इधर का, हर तरफ से यहाँ से व्यू दिखाई देता है। तो ये रहा देखो, फिक्स हो चुके हैं अब ये मजबूती मिल चुकी है इन्हें। तो यहाँ पे हमने डीप भी लगा रखी है। तो ये डीप किस लिए लगा रखी है, जो छोटे बच्चे हैं तो उछल के या नॉर्मली उछल के इसको नहीं पकड़ पा रहे थे। वैसे तो हमने इसे और ऊंचा करना था, लेकिन ऊंचे में डर रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए, तो इसमें चढ़कर वो थोड़ा बहुत उछल रहे हैं तो ये पकड़ा जा रहा है, नहीं तो वरना तो टच भी नहीं हो पा रहा उनके हाथों से ये ऊपर। तो अगर आपको खालू युवा मंगल दल का काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जहाँ तक फैला सकते हो फैलाना जरूर, दूर दूर तक शेयर करना। एक टाइम पे हमने क्या सोचा था कि यहाँ क्रिकेट पिच बनाएंगे, तो हमने लगभग सर्दियों से काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी झाड़ी काटी थी हमने, ये वाली पूरी की पूरी झाड़ी काटी थी। तो हमने सोचा 12 महीने हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ होता नहीं है, खेती तो होती नहीं है। तो हमने जब सर्दियों में झाड़ी काटना शुरू किया, गर्मियों तक हमारा काम कम्प्लीट हुआ था। इतना टाइम लगा था हमें पिच बनाने में, फिर थोड़ा प्लेन करने में, जहाँ पत्थर उनको निकाला साइड साइड से। तो जब हमारा काम पूरा हो गया तो उसके बाद गर्मी शुरू हुई। गर्मियों में लोगों ने क्या कहा कि यहाँ घास होता है, तो इसलिए हमें यहाँ छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हमारे कोई फिक्स लोकेशन नहीं है जहाँ हम क्रिकेट खेल सके या अभी कुछ भी खेल सके, फिक्स लोकेशन नहीं मिलती। तो इसलिए जगह जगह भटकते रहते हैं खेलने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे आधा से ज़्यादा टाइम तो हमारे पिच बनाने में वेस्ट हो जाता है। तो आज मौसम भी ऐसे हो रहा है, कभी धूप लग रही, कभी छाया, कभी धूप, कभी छाया, बादल भी लग चुके हैं। अब सुबह तो किनारे किनारे से बादल अब पूरे आसमान में आ चुके हैं, थोड़ा सा इधर के साइड है मिडिल पे। अभी फिलहाल जाऊंगा मैं आपको पंचायत भवन की ओर, तो वहाँ पे भी दिखाता हूँ जो उसके बगल में मकान टूटा है उसका क्या प्रभाव पड़ा पंचायत भवन में। तो वैसे तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, पर जो वहाँ पे रेलिंग है तो थोड़ा टूट चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं, डायरेक्ट वहीं निकलते हैं पंचायत भवन। जय गंडा देवता। तो ये रहा, पूरा निकल चुका है नीचे। तो ये रेलिंग है, थोड़ा पिचक चुकी है, ये पिचक चुके हैं थोड़ा बहुत। अच्छा लोहा, मुझे लगा ये निकल रहा है पर ये निकला नहीं है, रेलिंग ही पिचक चुकी है, मुड़ चुकी है पूरी। ये देख सकते हो लोहा मुड़ आ दिया इसने, इतना भारी हो गई, इतना भार था इसमें। फिलहाल यहाँ पे है घंडियाल देवता। यहाँ होती थी रामलीला पहले, तो पहले ये सेटल नहीं था, कुछ अलग तरीके से था। यहाँ पे रामलीला होती थी, धौलदेरा होता था, सब कुछ यहीं पे होता था। तब जाते थे ऊपर धौलदेरा, जहाँ का मैंने पहले भी ब्लॉग बना रखा है। चले निकलते घर, टाइम भी हो ही रहा है, 10:30 हो चुके हैं, 11 बजने को आइए, खाना बनाने का टाइम भी हो जाएगा हमारा थोड़ी देर में। अरे फिलहाल मारे को ये कट्टा लेने के लिए, दादी लोग तो घर पे नहीं, कट्टा मैंने अंदर से निकाल दिया। भाई प्रणाम, क्या करना, भाना धोना? अच्छा छैल खूब है क्या? छैल खानो? हाँ ना, जो कटा निकाल जो हमारे चू अन्न भुवन धरियो जाना। चल तब ठीक, तब बैठा है। चले फिलहाल उठाते इस कट्टे को, भारी तो है, हाथ से उठाने पे कंधे पे नहीं लगते इतना भारी। चले याद कर, मैं एकदम से बितर लग गया, पहले बोल दे बैर रख। मैं बोल रही था ना तेरे पास। चले फिलहाल अभी इसे धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने सोचा आज खाना बनाऊंगा, तो अभी फिलहाल दादी आ चुकी है, तो अभी फिलहाल मेरा खाना बनाने की छुट्टी, तो आज मैं रेस्ट लूंगा। हाँ हाँ। सो अभी फिलहाल 11:30 बजे तक पूरा मौसम चेंज हो चुका है, पूरे आसमान में बादल लग चुके हैं, लगता है आज बारिश होगी। कल तो पक्का बारिश है, कल सावन का भी सोमवार भी है उत्तराखंड में, बाहर दिल्ली वगैरह जो भी जगह है वहाँ तो सावन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है सावन। तो यहाँ कल सावन का आखिरी सोमवार होगा। ये देखिए यहाँ फिलहाल यहाँ पर चुन्नी लटका रखी है, फिर चिड़िया के बच्चे आ रहे हैं और गेहूँ इधर उधर फेंक रहे हैं, किधर किधर खा रहे हैं और फेंकने पे लगे हैं, तो इसलिए ये लगा रखा है। इसे डरों ने कहते हैं हमारे गढ़वाली में,
ताकि ऐसे बच्चे डर जाएं। लास्ट सुबह मैंने जो आपको झंगोरा दिखाया था, तो ये देख सकते आप, ये रहा छछिंडा। तो इसको बनाया जाएगा छछिंडा। तो आज छछिंडा खाएंगे हम, कभी खीर भी बनती है, कभी झंगोरा बनता है। तो भात बन के तैयार हो चुका है। सही, फिलहाल धीरे धीरे ऐसे पकेगा। सोई फिलहाल इन लताओं के बीच तुमड़ी लग गई। चले फिलहाल अभी समय आ चुका है व्लॉग को एंड करने का, और कल का व्लॉग कुछ हटके होने वाला है, कुछ अलग तरीके का होने वाला है कल, क्योंकि दो दो चीजें हैं, सावन का आखिरी सोमवार भी और 15 अगस्त भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और साथ साथ जय शंकर महाराज।